आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दारा सिंह एलियस रविन्द्र कुमार पाल बनाम उड़ीसा राज्य सरकार को ये मैंने याचिका फाइल की है, सेल्फी फाइल की है, जिसमें कि दारा सिंह को उम्र कैद की सजा माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट के कटक न्यायालय ने बरकरार रखी थी, जो कि एक हत्या हुई थी परिबेड़ा मार्केट थाना ठाकुर मुंडा जिला मयूरभंज उड़ीसा में। एक हत्या चंदा वसूली के गारमेंट व्यापारी था, उस पर चंदा वसूली का आरोप था दारा सिंह पर। उस समय दारा सिंह बजरंग दल के अध्यक्ष थे तथा और मामलों में वांछित थे, और उस समय का ये केस था जब उन पर ये लगाया गया, और उसमें कटक हाईकोर्ट में सजा को बरकरार रखा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बरकरार रखा है। और दारा सिंह वर्तमान में क्वेंचर जेल उड़ीसा में जेल में है, और अब इस केस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी उसके संबंध में एसएलपी फाइल की है, जिससे कि उन्हें न्याय मिल सके और उनके साथ न्याय हो सके, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे दारा सिंह पे, एलिस रविन्द्र कुमार पाल पे, वो बजरंग दल के अध्यक्ष होने के नाते उन पर इस तरह से उन्हें आरोपित किया गया, और जो जिला न्यायालय तथा माननीय उड़ीसा कटक हाईकोर्ट में भी सेटिस्फाई नहीं हुए, उनको आरोपी माना और उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को बरकरार रखा गया था, जो कि इस तरह से और भी कई केस हुए थे, लेकिन ये माननीय अदालत को ये सामने रखेंगे कि दारा सिंह निर्दोष थे, उन्हें झूठा फंसाया गया, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, बजरंग दल के अध्यक्ष होने के नाते और उड़ीसा में जिस तरह से ईसाई मिशनरीज काम कर रही थी कई चीजों को लेके, जिस पर विरोधाभास हो रहा था और दारा सिंह उन चीजों का विरोध कर रहे थे, तो इसलिए उन पर इस तरह के झूठे प्रकरण लगाकर उन्हें जेल में रखा गया, क्योंझर जेल में है, और उनके साथ न्याय होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। इस आशय के साथ हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दारा सिंह की तरफ से, एलिस रविन्द्र कुमार पाल की तरफ से फाइल की है, और जो जल्दी ही सुनवाई होगी जिससे कि न्याय हो सके।